खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है, जहां 13 साल की किशोरी ने SHO पर रेप का आरोप लगाया है। किशोरी की मां ने तहरीर दी है, इसमें बताया गया कि SHO तिलकधारी सरोज ने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना सामने आने के बाद SHO फरार है। वहीं SP ने आरोपी SHO को सस्पेंड कर दिया है। सोमवार को चाइल्ड लाइन की टीम को मां ने बताया कि 22 अप्रैल को चंदन राजभान, हरिशंकर और महेंद्र चौरसिया किशोरी को बहला फुसलाकर भोपाल ले गए थे। वहां 3 दिनों तक उसके साथ रेप किया। 25 अप्रैल को पाली कस्बे के थाने में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने किशोरी की मौसी को बुलाकर उसे सौंप दिया। 27 अप्रैल को SHO ने बयान के लिए किशोरी को थाने बुलाया। आरोप है कि जहां देर शाम किशोरी को अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 30 अप्रैल को पुलिस ने उसे फिर थाने बुलाया और लड़की को चाइल्ड लाइन भेज दिया गया, जहां चाइल्ड लाइन को पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने आरोपी थाना अध्यक्ष पाली तिलकधारी सिंह सरोज, चंदन राजभान, हरिशंकर, महेंद्र चौरसिया और महिला के खिलाफ धारा 363, 376, 376B, 120B और पॉक्सो एक्ट के साथ साथ SC एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। SP निखिल पाठक ने बताया कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO को निलंबित कर लाइन में अटैच किया गया था, लेकिन वह फरार हो गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई हैं। कल एक बच्ची अपने माँ के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस वाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में FIR पंजीकृत की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकी अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी और इस संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होगी तो हम लोग आप लोगों से साझा करेंगे। थाना इंचार्ज के खिलाफ कोई कार्रवाई की है अभी प्रेजेंट में? थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और चूंकि वो एक नामजद अपराधी है तो टीमें गठित कर ली गई हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। सर, चाइल्ड केयर का इसमें कितना महत्व है? चाइल्ड केयर की काउंसलिंग में खुलासा हुआ, एक NGO चाइल्ड लाइन द्वारा जो है बच्ची को हराया गया था। बच्ची ने उनको पूछताछ की थी तो बच्ची ने अपनी सारी इस तरह की बातें बताई थी कि उस तरह घटना घटित हुई। चाइल्ड लाइन के जो NGO के लोग थे वही बच्ची को यहाँ लाए थे, उन्होंने पूरी बात जो है हमको बताई और हमारे संज्ञान बताने के बाद इसमें तत्काल कार्रवाई की गई थी।